सो गाइज, वेलकम टू बैक माई न्यू चैनल। जैसा कि जब भी मैं यूट्यूब खोलता हूँ और कुछ ना कुछ मैं देखता रहता हूँ कि छोटी छोटी बातों को मैंने ध्यान दिया है कि आजकल समय में क्या हो रहा है कि जो यूट्यूबर हो गया या ब्लॉगर हो गया या शॉर्ट वीडियो डालता है और वो थोड़ा सा फेमस हो गया है, तो लोग क्या कर रहे हैं ना, फेमस तो वो हुआ है, उसने अपना स्ट्रगल किया, अपना टाइम जो भी 4 साल 5 साल कितने टाइम दिया और उसने कड़ी मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, मेहनत करने के बाद में और उसको थोड़ी सी सक्सेस मिलना शुरू होने ही लगा, तैसे ही लोग क्या करने लगे कि उसके पीछे भागने लगे। और भागने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके घर में तुरंत आप कैमरा लेके पहुंच जाते हो और उसके बाद में कहते हो कि ये वीडियो कैसे वायरल हुआ क्या और कैसे क्या हुआ। तो हम उन्हीं के चीज़ों को आप लोगों को बताना चाहते हैं। जैसे एक है मनोज डे करके नाम है, मनोज डे जब उसके दाढ़ी और मोछ भी नहीं आई थी तब से वो वीडियो बना रहा है और उसने बहुत सारी स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद में जब धीरे 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 करते करते आप किसी भी चीज़ में आप लगिए, लेकिन उससे पहले आप प्रयास तो करिए। आप प्रयास भी नहीं कर रहे हो और चाहते हो कि एक ही बार में आप एकदम से बस आपका वीडियो वायरल हो जाए और आपको आदमी लोग जानने लगे, पहचानने लगे, ऐसा नहीं होता है। मनोज डे ने इतनी सारी वीडियो बनाई, इतनी सारी वीडियो बनाई कि आज मैं कभी जब भी मेरे को टाइम मिलता मैं उनकी वीडियो देखता हूँ। तो उनकी वीडियो में देखा हूँ कि मतलब हर चीज़ कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि ये चीज़ मतलब है, टेक्निकल चीज़ें हो गई और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शेयर करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि आज के समय में ये हो गया है कि जो फेमस यानी ब्लॉगर हैं और यूट्यूबर हैं और जो ब्लॉग बनाते हैं उनके पीछे क्या होता है ना कि आजकल जैसे ही आदमी नए नए बच्चे मैंने देखा है ब्लॉग खोल लिए और उसके बाद में कैमरा लेके घूम रहे हैं और घूमते हैं और जैसे कहीं दिख गए बस मनोज डे भाई यार घमंडी हैं, यार ये घमंडी हैं, बात नहीं करते हैं और ऐसा है वैसा उनके बारे में बोला, मतलब बुरा भला कहते हैं। यार आप बुरा भला क्यों कह सकते हो? किसी के बारे में बुरा भला कहना आसान है, आपको गलत बात है ना ये चीज़। आपके भी आपके अंदर भी गट्स है ना, आप भी अपनी पावर लगाओ, अपनी भी चीज़ें लगाओ और अपने दम पे चैनल को खड़ा करो ना। तुम क्यों दूसरे का सहारा लेके चल रहे हो? यार दूसरे का सहारा उतना ही लेना चाहिए जितना आपको ज़रूरत है। चलो ठीक है भाई, मनोज डे का बहुत सारी वीडियो अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं करेंगे, मैं भी मनोज डे का भाई बहुत सारी वीडियो देखता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि आप मनोज डे का सहारा लेके उसको घमंडी बोलें, ये बोला। उसके पास ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, टेक्निक है, ज्ञान है, आप ज्ञान वाली बातें करो ना, उससे ज्ञान लो और ज्ञान की बातें सीखो उससे, उसके वीडियो पर जाओ, देखो कि वो करता क्या चीज़ है और बोलता क्या चीज़ है और बताना क्या चाहता है। आप उस चीज़ को नोटिस करो और वो चीज़ आप अपने वीडियो में शेयर करो। आप वीडियो में जब शेयर करोगे ना तो लोग आपको डेफिनेटली आपके यार व्यूवर्स आएंगे और आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और चैनल पे आपके भी लोग, जैसे आप दौड़ के जाते हो ना दूसरे को, भाई ये तो यार घमंडी हो गया, अरे घमंडी नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है या हो सकता है कोई मीटिंग हो या कोई ऐसी चीज़ हो। आज के समय में विश्वास करने लायक नहीं है यार, देख तो आदमी दिन दहाड़े गोली मार देता है यार, कुछ भी हो सकता है, आदमी के साथ हादसा होता है तो वो क्यों ऐसे मिलने जाए? जब तक आपको आप इन्फॉर्म करके आइए ना कि मुझे आना है सर और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और जब वो बंदा आपसे ना मिले तो वो एक अलग बात होती है। अरे तुम यार गाड़ी उठाए 600-700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से, मतलब 1500 किलोमीटर से आप चले आए हो गाड़ी लेके और बता रहे हो मनोज घमंडी है। यार मनोज डे घमंडी कैसे है? क्यों घमंडी हो जाएगा भाई? घमंडी वो नहीं इंसान, घमंडी तुम इसलिए हो क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के लिए अपना चैनल बनाया, वहाँ से दौड़ के यानी 1700 किलोमीटर से तुम चले आए, बता रहे हो यार वो जो है मनोज घमंडी है। ऐसा नहीं है, जब भी कोई सक्सेस होता है उसके पीछे जितनी भी मतलब समय व्यतीत होता है, जितना भी समय बिताता है वो बंदा, कितना स्ट्रगल करता है, कहने का मतलब आई मीन यार उस समय क्या रहा होगा उसके पास, आज का समय क्या है। वो बेचारा जब दाढ़ी मोछे भी नहीं आई थी, मैं वीडियो देखता रहता हूँ तब से, वो छोटी छोटी वीडियो बनाता था और आज जाके इतने सालों के बाद में जो भी उसका स्ट्रगल टाइम था, आप उस चीज़ का काउंट करो। अगर काउंट करोगे ना तो वो जो आप मतलब आज ही चैनल बनाया, आज ही तुरंत फेमस होना चाहते हो, बस चले गए यार फेमस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप भी मेहनत करो, स्ट्रगल करो। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर जितने भी यूट्यूबर हैं आप उनको फॉलो करो, उनको देखो, उनके चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब करो और उनको लाइक करो, कमेंट करो और उनसे मिलने से पहले परमिशन ज़रूर लो कि मुझे मिलने आना है सर जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो बंदा आपको कभी नहीं मना करेगा, लेकिन अचानक से पहुँच जाओगे तो कोई भी आदमी घबरा जाएगा। अब यार तुम्हें मुझे तो नहीं पता है तुम कौन हो,
पता लगे तुम मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हें यार ये समझ रहा हूँ कि तुम मेरे फाउन जो है फॉलोअर्स हो और फॉलो कर रहे हो मुझे, और फॉलो ऐसे नहीं होता है। आप जब भी मिलने जाना हो, यूट्यूबर है भाई, बड़ा यूट्यूबर है और उसने सक्सेस पाया है, आप उससे मिलने जाओ, परमिशन लो, उसके बाद में मिलने जाओ। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं आप लोगों से नहीं सबसे ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी ऑडियंस है मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप किसी से भी मिलने जाओ तो उससे पहले आप परमिशन लो, उसको ईमेल भेजो, कॉन्टैक्ट नंबर पे किसी से अगर बात हो पाए तो बात हो पाए, नहीं तो ईमेल ज़रूर करो। ईमेल से क्या होगा ना, आदमी इंसान आपको एक महीने नहीं हो सकता है, 5 दिन में ही रिप्लाई कर दे और उसके बाद में जाके मिलिए। तो सो गाइज, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हम आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।